नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल को लेकर बचपन से ही दिमाग में ये बात चलती रही थी कि आखिर ग्रहों में क्या होता है, ये ग्रह कैसे काम करते हैं और किस तरह से घूमते हैं। तो ऐसे में आज हम जानेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल को लेकर हमारे साथी अभय विशाल ने एक स्क्रिप्ट लिखी है, हम उससे समझेंगे कि आखिर सौर मंडल है क्या, आखिर कैसे हुआ था हमारे सौर मंडल का निर्माण। इस सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों के कई मत सामने आए हैं। हालांकि अभी तक कोई सर्वमान्य मत सामने नहीं आया है जो सौर मंडल की वर्तमान सभी स्थितियों की व्याख्या कर सके। ताजा शोध में सौर मंडल के निर्माण और स्वरूप की ऐसी सैद्धांतिक व्याख्या सामने आई है जो हमारे ग्रहों की स्थितियों के साथ ही शुद्र ग्रहों और उल्काओं की भी व्याख्या करने में सक्षम है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, BGI बेरूत, ज्यूरिख यूनिवर्सिटी, LMU म्यूनिख और ETH ज्यूरिख के शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने हमारे सौर मंडल के शुरुआती दौर के दो चरणों के निर्माण प्रक्रिया की खोज निकाला है। यह प्रक्रिया सौर मंडल के घटनाओं के क्रम के साथ अपनी आंतरिक और बाहरी घटनाओं का वर्णन करने में सक्षम है। यह कार्य खगोल विज्ञान में ही रही प्रगति से जुड़ा हुआ है, जिसमें उल्काओं में पानी, सौरमंडल में लोहे और आइसोटोप के अध्ययन को भी शामिल है। सूर्य और सौरमंडल के निर्माण के शुरुआती दौर के खगोल भौतिकी और भू भौतिकी प्रक्रिया के मिश्रण का भी अध्ययन किया गया है। अध्ययन में इस बात की भी व्याख्या की गई है कि सौरमंडल के बाहर के ग्रह बड़े और बहुत सारे पानी के साथ क्यों हैं, जबकि अंदर के ग्रह छोटे और कम पानी के साथ सूखे हैं। दरअसल अंदर के ग्रह पहले सूर्य के चक्कर लगाने लगे थे और अंदर के बहुत तीव्र रेडियोधर्मी विघटन के गर्म होते रहे, इससे वे जल्दी सूखने लगे, जिससे उनकी आंतरिक परत की तुलना में बाहरी परत सूखी और गीली हो गई। बताया जा रहा है कि इस तरह की व्याख्या दूसरे बाह्य ग्रहों के प्रणालियों, निर्माण अव्यवस्था और वितरण में भी काम आ सकती है। वैज्ञानिकों के बहुत सारे प्रयोगों ने बताया कि आंतरिक सौरमंडल के आंतरिक शुरुआती अव्यवस्थाओं और उनकी अनुवृद्धि एक युग की पूरी हुई है, जबकि इसके बाद दूसरे युग में बाहरी सौरमंडल के ग्रह का ज़्यादा तेजी से निर्माण हुआ। ग्रहों के निर्माण करने वाली डिस्क के हालिया अवलोकन से पता चलता है कि डिस्क में तेल जहां पर ग्रहों का निर्माण होता है वहां तुलनात्मक रूप से विक्षोभ स्तर कम होता है। ऐसे हालत में डिस्क की गैस और पानी के मौजूद धूल के कारण ग्रहों के निर्माण की शुरुआत करते हैं। ऐसा डिस्क कक्ष के उस जगह पर होता है जहां से कण गैस से बर्फ की अवस्था में बदल जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ओशियानिक एंड प्लैनेटिक फिजिक्स विभाग के विशेषज्ञ और सह अध्ययन के प्रमुख लेखक टीम लिचेंसबर्ग ने बताया कि ग्रहों के निर्माण के समय अंतराल अलग अलग थे, क्योंकि उनके रेडियोधर्म विघटन वाले आत्मिक ऊष्मा कारकों की सक्रियता में काफी अंतर था। बताया गया कि पहले सौरमंडल के अंदर के ग्रहों का निर्माण हुआ और फिर बाद में बाहरी हिस्से का निर्माण हुआ, गीले ग्रह बने। इस तरह सौरमंडल के निर्माण की शुरुआत से ही दो अलग तरह के ग्रहों के विकास हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि इस अध्ययन से खगोल विज्ञान को पृथ्वी की शुरुआत, वायुमंडल के निर्माण को समझने में मदद मिल सकती है। आपको बताते चलें कि हाल में ही में खगोल वैज्ञानिकों के सुपर अर्थ की श्रेणी में एक गर्म और पथरीली बाह्य ग्रह खोजा है। बताया जा रहा है कि यह ग्रह हमारी गैलेक्सी मिल्की से बहुत पुराने तारों में से एक चक्कर लगा रहा है। बाह्य ग्रह हमारे सौरमंडल के बाहर पाए जाने वाले ग्रह को कहते हैं जो किसी भी दूसरे तारे का चक्कर लगाते हैं। यह बाह्य ग्रह पृथ्वी के 50% बड़ा है और इसका भार पृथ्वी के लगभग 3 गुना ज़्यादा है। सौर ग्रह को लेकर ये जानकारी अब तक हम आपसे शायद साझा कर रहे थे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।